मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं या एग्जाम में फेल हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। बार बार कोशिशों के बावजूद अगर आप फेल होकर परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि इस वीडियो के पूरे अंत तक के अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन की आग लग जाएगी। जैक मा को जनरली अलीबाबा के फाउंडर के रूप में जाना जाता है, पर अलीबाबा में उनका शेयर सिर्फ 11% है। अब उनका अगला सबसे बड़ा वेंचर है एंट फाइनेंशियल, जिसको हम फेमसली अली पे के रूप से भी जानते हैं। मैंने जैक मा के बारे में बहुत सारी बायोग्राफीज और सक्सेस स्टोरीज इंटरनेट पर देखी है, पर किसी में भी उनके कंप्लीट डिटेल्स को नहीं बताया जाता, सिर्फ उसके क्रीमी लेयर को बता दिया जाता है। तो मैंने सोचा जैक मा की स्टोरी को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से बताया जाए, जो एक्सक्लूसिवली मॉडर्न बाबा में ही आपको मिलेगा। और साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में उनकी अगली बिलियन डॉलर कंपनी एंट फाइनेंशियल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वीडियो में अपना कंसंट्रेशन और फोकस पूरी तरह से लगा दें। साथ ही आप प्लीज़ हेडफोन लगाकर देखें बेटर एक्सपीरियंस के लिए। जैक मा का जन्म 1964 में हुआ। उनका ओरिजिनल नेम मा यून है। उनका मेजर एजुकेशन ट्रेडिशनल स्कूलिंग से नहीं हुआ, मेनली वो सीखते थे दूसरों के और अपने फेलियर से। उनका कहना है कि प्राइमरी स्कूल में वो 2 बार फेल हो गए, मिडिल स्कूल में वो 3 बार फेल हो गए, पर इंग्लिश में उनकी रुचि थी और वो इंग्लिश और ज़्यादा सीखना चाहते थे। इसी के लिए वो टूर गाइड बन गए और जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते थे उनको फ्री में वो टूर गाइड देते थे, उसके बदले उनसे इंग्लिश सीखते थे। इसी दौरान उनकी एक दोस्त बनी जिनको वो चिट्ठी भी लिखते थे। उनकी फ्रेंड को मा यून बोलने में परेशानी होती थी तो उन्होंने उनका नाम जैक रख दिया। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी वो 3 बार फेल हुए, यहाँ तक कि हार्वर्ड में भी वो 10 बार अप्लाई किए और 10 बार फेल हुए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पुलिस जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ पर 5 लोग इंटरव्यू देने के लिए गए थे, एकमात्र जैक फेल हुए। KFC के मैनेजर का पोस्ट निकला था, वहाँ पर 24 लोगों ने अप्लाई किया था, 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एकमात्र जैक रिजेक्ट हो गए। इतने सारे फेलियर्स के बाद तो कोई भी इंसान हार मान जाता, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यूनिवर्सिटी में एज एन इंग्लिश टीचर उन्होंने ज्वाइन किया। इसी दौरान उन्होंने एक ट्रांसलेशन बिजनेस चालू किया और इसी बिजनेस के सिलसिले में 1995 में पहली बार वो अमेरिका गए। अमेरिका जाकर उनका परिचय इंटरनेट से हुआ। इंटरनेट में एक्साइटेड होकर उन्होंने बियर के बारे में सर्च किया। उनको बहुत सारा रिजल्ट मिला पर उसमें कहीं भी चाइना का नाम नहीं था, वो चाइना को ही ढूंढ रहे थे। और भी सर्चेज उन्होंने किए पर कहीं पर भी उनको किसी भी जगह चाइना का नाम नहीं मिला। उनके मन में ख्याल आया कि चाइना इतनी बड़ी कंट्री और इतनी बड़ी इकोनॉमी है पर चाइना का नाम कहीं क्यों नहीं आ रहा है। तब से उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो अमेरिकन कंपनी से भी कहीं ज़्यादा आगे होगी। चाइना लौटकर उन्होंने चाइना पेज नाम की कंपनी लॉन्च की, जिसमें वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेचते थे। फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जगह जगह अप्लाई किया पर उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। आखिर में गवर्नमेंट बॉडी को उन्होंने इन्वॉल्व किया और गवर्नमेंट का सपोर्ट उन्होंने लिया। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी उस कंपनी पर हावी हो गए। अंत में हार मानकर उन्होंने उस कंपनी से अपने आप को अलग कर लिया। 1990 के दशक में चाइना पेज की असफलता के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। वहाँ उनकी मुलाकात याहू के को-फाउंडर जेरी यांग से हुई और वो दोनों एक क्लोज फ्रेंड्स बन गए। 1999 में गवर्नमेंट छोड़ने के बाद उन्होंने एक बार फिर से इंटरनेट बेस्ड बिजनेस में हाथ आजमाया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों समेत 17 लोगों को उन्होंने घर पर इकट्ठा किया और शुरुआत हुई अलीबाबा की। अलीबाबा का उद्देश्य था चाइना के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने का, पर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन पर किसी का भी भरोसा न होने की वजह से सभी उनका प्लान रिजेक्ट कर देते थे। फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए वो सिलिकॉन वैली भी गए पर वहाँ पर भी उनका प्लान रिजेक्ट कर दिया गया। इसी रिजेक्शन के चैलेंज ने उनकी अगली कंपनी का रास्ता तैयार किया और उन्होंने अली पे लॉन्च किया और 1999 में ही गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन का फंडिंग उनको मिल गया।
2003 आ गया, अलीबाबा अभी भी फायदे में नहीं था और उसके सामने एक नया चैलेंज आ गया। इंटरनेशनल ई कॉमर्स जायंट ईबे चाइना में एंटर करने जा रहा था। पर आप तो जैक मा को जानते ही हैं, वो कभी हार नहीं मानते। उन्होंने ईबे को टक्कर देने के लिए Taobao.com लॉन्च किया। Taobao.com में वो सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए। इस कदम को देखते हुए सभी उनको क्रेजी और पागल कहने लगे। पर कुछ रिवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ वैल्यू एडेड सर्विस जैसे कि वेब पेज डिजाइनिंग वगैरह के लिए वो चार्ज करते थे, जिससे उनका खर्चा पानी बस चल जाता था। Taobao.com के प्रमोशन के लिए उन्होंने ठीक उसी मॉडल को अपनाया जैसा कि पतंजलि ने अपनाया, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए। धीरे से लोग Taobao.com को पसंद करने लगे और ईबे को चाइना के मार्केट से 2 साल के अंदर ही वापिस जाना पड़ा। सन 2000 में .com बूम के वक्त अलीबाबा के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स पैदा हो गए और उनको सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाला। और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ही आपको उनका वो दोस्त याद है जेरी यांग, याहू के कोफाउंडर, उनको उन्होंने कन्विंस किया और याहू ने 40% अलीबाबा के शेयर के बदले $1 बिलियन अलीबाबा में इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट के बाद अलीबाबा का नेटवर्थ $2.5 बिलियन हो गया सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर। चाइना के रूल्स के वजह से जैक मा अपनी कंपनी को पब्लिक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। लेकिन आप तो जैक मा को जानते ही हैं, वो कभी ना नहीं सुन सकते। तो उन्होंने रूल्स को समझते हुए केमेन आइलैंड में एक शेल कॉरपोरेशन मतलब एक नई कंपनी का स्थापना किया जो अलीबाबा का मेजर शेयर लेता था। और 2014 में उन्होंने अपनी कंपनी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। इस लिस्टिंग के पहले ही उन्होंने इसके पेमेंट सर्विस अलीपे को अलग कर दिया और उसको एंड फाइनेंशियल नाम के कंपनी के अंडर डाल दिया। 2014 में एंड फाइनेंशियल लॉन्च हुआ। उसके 16 महीने के बाद ही उसका नेट वर्थ $60 बिलियन का हो गया। ये किसी भी फाइनेंशियल टेक सर्विस का फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन USA में नहीं होता बल्कि चाइना में होता है। अलीबाबा के 50 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं जो कि USA, कनाडा और UK की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और 2018 में $34 ट्रिलियन का डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन चाइना में हुआ जो कि USA से 40 गुना ज़्यादा है। चाइना में डिजिटल ट्रांजेक्शन का एक अलग ही बूम आ चुका है, वो इस फील्ड में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो बनाकर इसको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एंड फाइनेंशियल ने अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे चुका है और अलीबाबा का 37.5% प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल से आता है। दोस्तों, हम जैक मा से क्या सीखते हैं? एक स्ट्रॉन्ग लीडर पैसों के पीछे नहीं भागता, वो वैल्यूज के पीछे भागता है। आप लोगों के अंदर वैल्यूज क्रिएट करिए, लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे। जैक मा ने चाइनीज लोगों के अंदर स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करने का स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट किया और आज के डेट में अलीबाबा वॉलमार्ट से भी ज़्यादा बड़ी रिटेल ब्रांड बन चुकी है। उन्हीं के शब्दों में, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन, इफ यू गिव अप टुमारो यू विल नेवर सी द सनशाइन। जैक मा, जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिन्होंने खुद कभी कुछ बेचा नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़े रिटेल ब्रांड के फाउंडर हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? शेयर करने से कभी मत घबराओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही चिंता रहती है कि मेरे केक का कितना बड़ा हिस्सा कोई और खा लेगा। लेकिन जैक मा ने हमको बताया कि अगर आपकी खुद की बेकरी है तो आपके केक के कितने बड़ा हिस्सा कोई और खा रहा है इसकी चिंता नहीं रहेगी। आप कभी भी अपना खुद का एक नया केक बना लेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर आग लगाई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के अंदर आग लग जाए और वो एक नई ऊंचाई हासिल कर ले। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि इससे आपका प्यार हमको मिलता रहता है। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आप हमारे एक और चैनल द फोटोहोलिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हम जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।